दोस्तों, अरबी की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी। सूखी मसाला अरबी सबको पसंद भी बहुत होती है। एक बार आप मेरे तरीके से अरबी की सब्जी बनाइए, पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने आधा किलो अरबी लिए। इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है, और कोशिश करें देखकर एक साइज़ की अरबी लें। अब सारी अरबी को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और 2 कप के लगभग इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें विसल केवल एक ही लेनी है। अगर आप एक से ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो अरबी जो है वो ज़्यादा गल जाएगी और मसाला सूखी अरबी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, एकदम गली गली हो जाएगी। तो इसलिए अरबी को हमें सिर्फ एक ही सीटी लगानी है, और आराम से प्रेशर कुकर की विसल निकलने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम सारी अरबी को प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आराम आराम से करेंगे क्योंकि अरबी काफ़ी गर्म होती है और ये हाथों में थोड़ी खुजली भी पैदा करती है। तो अगर आप इसे किसी चिमटे या प्लकर की हेल्प से पकड़ के प्लेट में रखें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरबी का जो पानी है ना, बस उसको आपको टच नहीं करना, उसी के अंदर खुजली हाथों में हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब अरबी सारी ठंडी हो जाएगी तो इसको छील लेंगे। अरबी बहुत आराम से छिल जाती है। इसके ऊपर की कैप हटाइए और अरबी का पूरा छिलका अपने आप ही उतर आता है। और अगर आपको ऐसे नहीं छीलना आ रहा हो तो आप बड़े आराम से चाकू की हेल्प से भी धीरे धीरे करके सारी अरबी को छील सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विसल केवल एक लगानी है। अरबी अगर क्रिस्पी बनी हो ना तो दाल चावल सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो है ही, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। ये देखिए, मैंने सारी अरबी को अच्छे से छील लिया है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले जाकर सारी वीडियोज़ को देख पाएँ। इस तरह से हम सारी अरबी को अच्छे से छील लेंगे और उसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। बस इस तरह से सारी अरबी हमारी कट के तैयार है। ये अरबी को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। जो भी खाने वाले हैं ना, वो आपकी तारीफ़ करते भी ना नहीं रहेंगे, और इतनी मसालेदार अरबी बनेगी। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो सारी अरबी हमने काट कर रखी है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और 1 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे ताकि अरबी के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाए और हल्की सी क्रिस्पी होनी स्टार्ट हो जाए। 1.5 मिनट के बाद हम इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डालेंगे, एक नहीं वैसे तो 2 चीज़ डालेंगे, लेकिन पहले हमें अरबी को अच्छे से हल्के हाथ पर फ्राई करना है। यानी बहुत ज़्यादा हमें सुनहरा नहीं करना, बस हल्का हल्का ये लाल हो जाए। और ये ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अभी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको देखिएगा सारा ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ये ज़्यादा ऑयल सब्ज़ी के हिसाब से है भी नहीं। मैंने केवल 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जब हल्की सी अरबी 2-3 मिनट हो जाएंगे तेल में डाले हुए, तो 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे और 1 चम्मच चावल का आटा। इन दोनों चीज़ों से हमारी अरबी इतनी खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगी ना कि जो लोगों को अरबी पसंद नहीं होते ना, वो भी अरबी खाएंगे। इवन इस अरबी को आप ऐसे ही चाट के तौर पे भी दे सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये देखिए, अब एक परत जो है बेसन और चावल के आटे ने अरबी के ऊपर बनानी शुरू कर दी, और मैं इसे लगातार भून रही हूँ। बस चलाना बहुत कम है, बस 1 या 2 बार ही चलाना है। अब डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सारा तेल गायब हो चुका है क्योंकि हमने जो बेसन और चावल का आटा डाला था उसने लेयर बनाते समय अरबी के ऊपर एक अच्छी सी लेयर भी बना ली है, जिससे कि अरबी काफ़ी क्रिस्पी हो गई है और साथ में जो है सारा ऑयल एब्जॉर्ब भी कर लिया है। ये देखिए, बस अब इस पर थोड़े से मसाले और डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसके ऊपर धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच हम इसके ऊपर भुने हुए जीरे का पाउडर। शुरू में हमने अरबी को भूनते समय कोई भी जीरा अजवाइन कुछ नहीं डाला था, ना ही कुछ डालने की ज़रूरत है। एक बार आप अरबी को इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है हाथों में क्रश करके डाल दी है। बस अब हम अरबी को बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्के हल्के हाथ से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें अरबी को अलट पलट नहीं करना है क्योंकि इससे अरबी के टूटने का डर है। वैसे ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है, आपका खुद का ही मन करेगा कि बनाते बनाते जो है 1-2 पीस तो मुँह में डाल ही लें, लेकिन हमारे यहाँ सब्जी बनने से पहले जो है उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं भी टेस्ट नहीं करती। और वाकई एक बार जब आदत पड़ जाती है ना, तो वो सब्ज़ी हमेशा अच्छी तो बनती है,
साथ में क्या होता है, नमक मिर्च कभी कम नहीं होगा। बस आप एक आइडिया से डाल दीजिए, रोज़ की सब्जी का आइडिया पड़ जाता है और उसे चखने की ज़रूरत नहीं है। बातों बातों में हमारी अरबी भी अच्छे से तैयार है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लेकिन अभी भी एक खास मसाला रह गया है जिससे कि हमारी अरबी का बहुत परफेक्ट टेस्ट आएगा, वो है ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर पाउडर। अब मैंने एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया, इससे तो अरबी ऐसी लाजवाब बनती है ना कि आपका बस चलेगा तो आप रूखी सारी अरबी खा जाएंगे, रोटी की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये है कि इसे आप रूखी सुबह नाश्ते में पराठे के साथ सर्व कीजिए या दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पे। हाँ, ये फुलके के साथ थोड़ा कम ही जचेगी, लेकिन जो पराठे के साथ इसका लाजवाब टेस्ट आएगा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए 3-4 हरी मिर्चें मोटी वाली, उनके अंदर के बीज निकाल दिए थे। इस मिर्चों को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसका क्रंच ऐसे ही रहना चाहिए, तो सब्जी के साथ इसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। और खूब सारा हरा धनिया डालिए। बस हमारी अरबी ये देखिए एकदम अच्छे से गलकर तैयार है। 1 मिनट तक हम इसे बिल्कुल ढककर सिर्फ 1 मिनट पकाना है, ताकि इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च डाली है वो मसालों के साथ लिपट जाए और अपना अच्छा सा फ्लेवर ले ले। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। ऐसी सब्जी शायद ही आपने कभी बनाई होगी। एक बार आप इस तरह से अरबी की रेसिपी ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी कि आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। मेरे घर में भी ये बनाते ही ख़त्म हो गई है, और कहने को ये आधा किलो अरबी थी, लेकिन ये 3 जनों के लिए भी काफ़ी नहीं रही, इतनी टेस्टी बनी थी। अरबी अच्छे से गल गई है, एक बार चेक करेंगे, नहीं तो 1 मिनट तक और पकाएंगे। बस अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे। बहुत बढ़िया सूखी और मसालेदार अरबी बनकर तैयार है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।